एक के बाद एक जैसे टीजर आया और फिर ट्रेलर आया एंड नाउ जिस तरीके से टाइटल ट्रैक भूल भुलैया 3 का आया, हर चीज़ में जिस तरीके का रिएक्शन ऑडियंस का आ रहा है, फैंस का आ रहा है, हम सब लोग बहुत खुश हैं उससे। और मैं बस खुश हूँ कि मुझे विद्या जी और माधुरी जी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला और इतनी जल्दी करियर में ये मौका मिला। एक एनर्जी फील हो रही है लोगों के रिएक्शन से, लोगों के हर बात पे हुक स्टेप्स कर रहा हूँ इतने लोगों के साथ, सब लोग जिस तरीके से उनके वीडियोस देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ ऑन द टाइटल ट्रैक इटसेल्फ। ट्रेलर भी जब आया था तो उसके डायलॉग्स पे इतने मीम्स बने थे या इतनी फ़नी इंटोनेशन थे या इतनी थ्योरीज अभी फिल्म के बारे में बन रही है। इनफैक्ट अगर आप जो डांस स्टेप जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जो स्टेकेस वाला स्पूकी स्लाइड जिसका नाम है, वो सेट पे ही सीखा था और वहीं किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जितना एंटरटेन कर पाऊँ उतना कम है और एंड आई लव बीइंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड उनको एंटरटेन करना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे प्रमोशंस में तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट ये जब से एक गाना आया है तब से ऑल द मोर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं सबके, आई थिंक आई एम जस्ट टू हैप्पी विद ऑल द रिएक्शंस कमिंग टूवर्ड्स आवर फिल्म। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक्चुअली जब हम भूल भुलैया 2 की थी तब रू बाबा का कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं था और तब किसी को नहीं पता था अच्छा रू बाबा क्या है, कौन है, कैसे होगा। तब रूहान क्योंकि कैरेक्टर का नाम था तो उससे वो रू बाबा कैसे बना, ऑल दैट थिंग वाज देयर इन भूल भुलैया 2। लेकिन भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस में एक्चुअली जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे रू बाबा के नाम से बुला रहे, बच्चे रू बाबा बोल रहे हैं। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि दिवाली रिलीज़ हो रही है भूल भुलैया, आप सब अपने परिवार के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए जैसे भूल भुलैया 2 को आपने इतना प्यार दिया था बिकॉज उसने इतना इंटरटेन किया था आपको। भूल भुलैया 3 भी 3 गुना इंटरटेन करेगी आपको और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप ये दिवाली भूल भुलैया वाली हो।